शुक्रिया खालिद चौधरी साहब। अब मैं दावत देता हूँ उस अहद के तालिब इल्म रहनुमा जनाब इफ्तिखार अहमद साहब को, जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो इस मुल्क की फिजाओं में और इस मुल्क के आवाम के दिलों में राज किया करते थे। जनाब इफ्तिखार अहमद खालिद चौधरी, जिन वाक़ियात का तज़किरा कर रहा था उससे एक बात वो इस्टेब्लिश करना चाह रहा था कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो कंसल्टेशन में यकीन रखते थे। कहा यह जाता है कि वो शख्स किसी की सुनता नहीं था, लेकिन खालिद चौधरी की अगर बात सुनी जाए और ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ सफ़र करने वाले दूसरे लोगों की अगर बातें सुनी जाएँ और उनके इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड किए जाएँ 67, 68, 69, 70 के, तो एक ऐसा ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो आपके सामने आएगा जो कंसल्टेशन में यकीन रखता है। ये हकीकत है कि उस वक़्त के जागीरदार ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से बराह रास्त बात करने से झिझकते थे, और उसकी वजह ये थी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उनसे कद में बड़ा था। खा वो ग़ुलाम मुस्तफ़ा जुतोई था, खा ग़ुलाम मुस्तफ़ा खर था, खा मखदूम तालपुर मौला था, खा अली अहमद तालपुर था, खा रसूल बख्श तालपुर था। लेकिन जिस बात का तस्करा ये कर रहे हैं खालिद, डेरा इस्माइल खान का, डेरा इस्माइल खान में जब टीयर गैस, वो एक बाज़ार था और वहाँ का जो वज़ीर माल था अयूब खान का, उसने जितनी भी ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए केले के जो लगाए जाते हैं मुराबे, ग़ुलाम सरवर नाम था उसके वज़ीर माल का अयूब खान के, तो उसने सब ये जो तकरीब का लोगों ने इहतमाम किया होता हकनवाज गंडापुर ने, उसको गिरा दिया सारा कुछ। और हकनवाज गंडापुर हमारी तरह का एक सियासी वर्कर था, वो घोड़े पर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को इस्तकबाल करने के लिए गया। उसकी ज़िद थी कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो घोड़े पर बैठ के शहर में दाखिल होगा। अब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो घोड़े में बैठ के शहर में दाखिल हो रहे, एक बाज़ार है उस बाज़ार को बंद कर दिया जाता है, ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बालकोनी में चला जाता है, उस बालकोनी का नाम है शाहानी बालकोनी, और टीयर गैस होती है। तो मैं सबसे छोटा था इनमें से, मुझे याद है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो रसूल बख्श तालपुर का पेट थोड़ा सा बड़ा हुआ था, उसको उंगली मार के कहने लगा कि तुम अपने पेट को कम करो, मुमकिन है भागना पड़ जाए, और अगर तुम भागोगे तो तुमसे भागा नहीं जाएगा। लुक एट इट, टेंशन कितनी है, टीयर गैस चल रही है, नीचे लाठी चल रही है, और बिल्कुल टीयर गैस छल वहाँ फेंके जा रहे थे बालकोनी पे जहाँ हम खड़े थे, और पूरा शहर, फिर लोग अपने घरों पे चढ़ गए और लोगों ने अपने घरों पे चढ़ के ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को वेव किया। अगरचे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वो इलेक्शन हार गया मुफ्ती महमूद के मुकाबले में वहाँ से, और उसकी वजह यह थी कि खालिद चौधरी बात कर रहा है, जब शाम को स्टूडेंट्स का डेलीगेशन आया तो उन्होंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से ये सवाल किया कि ख़त्मे नबूवत के बारे में आपकी राय क्या है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कहा कि ख़त्मे नबूवत का मसला अपनी जगह, लेकिन सबसे अहम मसला पाकिस्तान में ये है कि यहाँ लोग दो ग्रोह रहते हैं, एक जो है ग्रोह वो लूटने वालों का है और एक लूटने वालों का है, मेरे उस पर ज़्यादा आपसे बात करना चाहूँगा। दूसरी बात कंसल्टेशन की ये है कि जब ये दौरा ख़त्म होता है इसका पेशावर का, और खालिद बहुत अच्छी बात कह रहे हैं कि गिरफ्तार हुई होती हैं, हमीद का मर्डर हो जाता है, हमीद की डेड बॉडी ले जानी है, इन दोस्तों से कहा जाता है कि आप वहाँ पे चले जाएं रावलपिंडी में गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर, और ये सारी तहरीक फिर वहाँ से आगे को चलती है। उस सारी तहरीक में जो चीज़ मैंने ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के से सीखी, मैं बहुत छोटा था, ये तो 20 साल का था, मैं तो 20 साल का भी नहीं था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक बात जो सिखाई है हम लोगों को वो ये है कि आपके अंदर कमिटमेंट बहुत क्लियर कट होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते आप कुत्ते के साथ भी हैं और खरगोश के साथ भी हैं, ये हो नहीं सकता सियासत में। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो सियासत इंट्रोड्यूस की है और जिसकी पार्टी ने सियासत इंट्रोड्यूस की है वो बड़ी क्लियर पॉलिटिक्स है, उस पॉलिटिक्स में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। और जब उस पार्टी के खिलाफ यहां के उलमाए किराम 313 उलमाए किराम फतवा दे रहे थे तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो उसको कंफ्यूज नहीं था। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ काम करने वाले सियासी वर्कर और सियासी क्यादत कंफ्यूज नहीं थी। मैं आज के इस दौर में मैं देखता हूं कि पाकिस्तान की सारी सियासत जो है वो कंफ्यूज है, और वो अपने वर्कर्स को भी कंफ्यूज रख रही है, वो पूरी कौम को भी कंफ्यूज रख रही है। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता था कि उसने क्या करना है।
بڑا کلیئر تھا یہ بات جو خالد کہہ رہے ہیں کہ راؤ جو صادق قریشی کے مل کے بعد جو حملہ ہوتا ہے وہ بات بڑی کلیئر تھی. اور جس کی بات یہ کہتے ہیں کالا ناگ تھا اس آدمی کا نام جو پیڑ ڈال کے ہم پنجابی میں کہتے ہیں پیڑ ڈال کے وہ جھومتا ہوا ناشتا ہوا ذوالفقار علی بھٹو پر حملہ آور ہونے کی کوشش کر رہا تھا. لوگوں نے اٹھا کے اس کو قاسم باغ سے نیچے پھینک دیا. اور آپ کو میں بڑے مزے کی بات بتاؤں کہ اس دن جتنے لوگوں کو مار پڑی وہاں پہ اس شہر کے ڈاکٹروں نے ان کی مرہم پٹی نہیں کی, اور اس شہر کے ڈاکٹروں نے ان کی مرہم پٹی نہ کر کے پاکستان پیپلز پارٹی کو سپورٹ کیا. یہ ہے وہ انفلوئنس ذوالفقار علی بھٹو نے کیا. ذوالفقار علی بھٹو شلوار اور کرتے میں جب بات کر رہا تھا لوگوں کے ساتھ تو اس کی بات کو ایک وہ آدمی بھی سمجھتا جو تہمت باندھ کے پیچھے بیٹھا ہوتا تھا, اس کو بھی سمجھ آ رہی ہوتی تھی کہ ذوالفقار علی بھٹو کیا کہہ رہا ہے. خاص ذوالفقار علی بھٹو شملہ معاہدے کی بات کر رہا تھا, خاص ذوالفقار علی بھٹو ہندوستان سے ریلیشن شپ کی بات کر رہا تھا, خاص ذوالفقار علی بھٹو ان کو یہ بتا رہا تھا کہ ایوب خان کا کیا رول ہے, ایوب خان کہاں پہ اپنا پولو کھیل رہے ہیں اور فارن آفس میں کیا ہو رہا ہے. لوگ اتنی بڑی باتوں کو سمجھنے لگ گئے تھے کیونکہ ان کو یقین تھا کہ یہ شخص جو اسٹیج پہ کھڑا ہے یہ دو رائے نہیں رکھتا, اس کی دو سیاستیں اپنی ہیں. تو یہ بات ہمیں سیکھنی چاہیے اس سے اور اس کے رویے سے. یہ پشاور کے اندر یہ بحث ہوئی کہ کانسٹیٹیوشن کتنا امپورٹنٹ ہے. اسے کانسٹیٹیوشن امپورٹنٹ ہے لیکن کانسٹیٹیوشن کسی شخص کے گھر کی چھت نہیں ہو سکتا, کانسٹیٹیوشن کسی کے تن کا کپڑا نہیں ہو سکتا, کانسٹیٹیوشن کسی غریب آدمی کے لیے روٹی فراہم نہیں کر سکتا. صرف کانسٹیٹیوشن کی بات نہیں ہوگی, کانسٹیٹیوشن کے ساتھ رائٹس کی بات بھی کی جائے گی. جبکہ سارے مخالفین گورنرس کانفرنس کی طرف جا رہے تھے تو وہ مال روڈ کے اوپر جلسہ اپنا لگا کے کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ میری گورنرس کانفرنس تو یہ ہے. اور اس کی گورنرس کانفرنس کامیاب ہوتی تھی لیکن جو بات سمجھنے کی ہے وہ ہٹ کے کھیل رہا تھا. وہ جو طے شدہ سیاسی رویے تھے ان سے ہٹ کے کھیل رہا تھا. جب لوگ ڈائلگ کرنا جا رہے تھے, مجیب الرحمان جیسا آدمی بھی ڈائلگ کرنے آ رہا تھا ایوب خان سے, تو وہ ڈائلگ کرنے کے لیے عوام کے ساتھ کھڑا تھا. یہ جو سلیم فیبرکس, یہ جو بشیر سنز ہے مال روڈ پہ, یہاں پہ ٹرک کھڑا کر کے تو لوگوں سے بات کر رہا تھا. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کی سیاست میں بنیادی تبدیلیاں کی ہیں. ذوالفقار علی بھٹو نے پاکستان کے غریب عوام کو بات کرنے کا ڈھنگ دیا ہے, سلیقہ دیا ہے, اور اس ڈھنگ اور سلیقے کے ساتھ ان کو قوت دی ہے, ایک طاقت دی ہے. آج پاکستان کی جمہوریت اگر سروائیو کر رہی ہے, اگر آج پاکستان کی جمہوریت کے اندر کوئی کنٹریبیوشن کسی کی بھی زیادہ ہے تو میں سمجھتا ہوں پاکستان پیپلز پارٹی کے ذوالفقار علی بھٹو, اس کی قیادت اور اس کے ورکرز کی ہے, کیونکہ انہوں نے کمپرومائز ابھی تک نہیں کیا. ابھی ہم ایک فلم دیکھ رہے تھے جو ڈاکومنٹری تھی. حقیقت یہ ہے کہ آپ کبھی غور سے گھر میں بیٹھ کے سوچیں, ہم بڑی باتیں ہم کرتے ہیں ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف, کوئی مائیکل لال یا کوئی خاندان اتنی قربانی دے سکتا ہے جتنی قربانی اس خاندان کی ہے, سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. اور ان سب کو پتا تھا, اگر بینظیر کا وہ آپ سٹپ جو نیچے چل رہی تھی اور جان یہاں بیٹھا ہے, بینظیر کو شاید اس دن پتا تھا کہ اس کا انجام کیا ہونا ہے جب بینظیر اپریل کے اندر لاہور کے اندر یادگار پاکستان پہ تقریر کر رہی تھی تو اس کو اپنا انجام پتا تھا. دیکھیں سیاست دو قسم کی ہے, ہر آدمی اقتدار کے لیے سیاست کرتا ہے, ہر آدمی پارلیمنٹ میں جانے کے لیے سیاست کرتا ہے, ہر آدمی چاہتا ہے کہ اقتدار اس کے پاس ہو, پروٹوکول اس کے پاس ہو, لوگ اس کو سلوٹ کریں کہ لوگ اس کے انڈر ہوں. یہ کوئی انہونی بات نہیں ہے, یہ بالکل اس کا ذوالفقار علی بھٹو کا ایک مطمئن نظر یہ بھی ہو سکتا ہے. لیکن جناب اس کا جو معاوضہ دیا گیا ہے وہ کوئی نہیں دے پایا اور کوئی نہیں دے سکے گا. اور اس معاوضے دینے کی وجہ وہی ہے جو خالد چودھری نے بتائی ہے کہ دی اسٹیبلشمنٹ ہیز نیور لائک دا پاکستان پیپلز پارٹی. انہوں نے کہا یہ غریب تلنگے فقیر جاہل ان پڑھ یہ اقتدار میں آ گئے, یہ حق مانتے ہیں, یہ ون مین ون ووٹ کے نعرے مارتے ہیں, یہ کہتے ہیں جڑا باب روح کھاوے, یہ پورے کے پورے سسٹم کو ڈائنامائز کرنے جا رہے ہیں. کیونکہ سسٹم سٹیٹس کو کا حامی تھا, اور ذوالفقار علی بھٹو اس وقت کا ذوالفقار علی بھٹو جس کو میں جانتا ہوں, جس کے ساتھ ہم نے کام کیا ہے, اس سٹیٹس کو کے خلاف کھڑا تھا.
और जब वो स्टेटस को का हिस्सा बनता है 77 में और उन जागीरदारों को वापस लेके आता है तो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो का अंजाम वही हुआ जो स्टेटस को से कंप्रोमाइज करने वालों को होता है फिर यहां पे। सो आज मैं इतने कहना चाहता हूं, सियासत लफ्जों का खेल होगी, सियासत तकलीफों का खेल होगी, लेकिन सियासत एक हकीकत भी है, एक ऐसी हकीकत जो ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिसका अमली मुजाहरा किया। आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के मुखालफ वो सब लोग हैं जो उसको पहले दिन से पसंद नहीं करते थे। मुझे आज जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मुखालफत में मैं पढ़ता हूं, मैं सुनता हूं, तो मुझे कोई हैरानगी नहीं होती। मैं इन सब कैरेक्टर्स को जानता हूं और इनको पहचानता हूं। उन सब कैरेक्टर्स का ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो से जाती कोई झगड़ा नहीं, झगड़ा सिर्फ एक है कि ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक नई सोच को जन्म दिया, जो बात करारदादे मकासद की शक्ल में लोगों ने आइन का हिस्सा बना दी। एक पाकिस्तान में धड़ा वो है, आज तक यह सवाल नहीं हुआ कि वो लोग कौन है, उनको किसने ये इख्तियार दिया कि एक घर में बैठ के एक दफ्तर में बैठ के एक करारदार बनाए और उस करारदार को पूरी की पूरी पार्लियामेंट आउट कर ले। यही तो अजीब बात हुई, ये तो सुप्रा पार्लियामेंट की बात हुई। इसका मतलब कुछ लोग यहां पर सुप्रा पार्लियामेंट का अख्तियार रखते हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनकी उस बात को मानने से इंकार किया और जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो वो इंकार करता है तो खमियाजा भी उसको भुगतना था। वो उनसे कंप्रोमाइज भी छोटे मोटे करना चाहता था, शराब को बंद करना एक छोटा कंप्रोमाइज था, ताजियानी को मसले में एक कंप्रोमाइज करने की उसने कोशिश की, लेकिन नहीं, एस्टैब्लिशमेंट नहीं चाहती थी, एस्टैब्लिशमेंट को फिर भी खतरा था। और जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो एक कागज लेके रावलपिंडी की गली में चला गया, बाजार में चला गया, तो बात खुल के सामने आ गई थी। और जब ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने आखिरी दफा पार्लियामेंट में खिताब किया, अगर आप लोगों को वो पार्लियामेंट का खिताब याद हो और उस वो आप पढ़ें तो वो बड़ा क्लियर है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, उसको वो कहते हैं कि कुत्ते जो हैं ये मेरे पीछे हैं, कहते हैं कि ये इनकी याददाश्त बड़ी गहरी, अमेरिकन की माफ नहीं करने वाले। तो इतनी सफेद आती, इतनी आसान बातें नहीं है, ये इतनी आसान बातें नहीं है जितनी हम समझती हैं। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को गंद करना, उसके ऊपर कीचड़ उछालना, उसकी मां को बुरा कहना, उसके बाप को बुरा कहना, उसके रवैये को बुरा कहना, उसके फलसफे को बुरा कहना बहुत आसान है, लेकिन उसका एक एक दिन जो उसने इक्तदार में गुजारा, उसका एक एक दिन जो उसने बतौर लीडर ऑफ द अपोजिशन उतारा जब वो पीपल्स पार्टी की क्यादत कर रहा था, वो सीखो और पढ़ो। उसमें हमारे अगले पाकिस्तान के लिए, एक डेमोक्रेटिक पाकिस्तान के लिए, एक स्ट्रॉन्ग पाकिस्तान के लिए, एक लिबरल पाकिस्तान के लिए पूरा का पूरा मैनिफेस्टो मौजूद है। जिस दिन हमने वो कंप्रोमाइज कर लिया और जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वोटर ने कंप्रोमाइज कर लिया, तो इस मुल्क में इंतहा पसंदों को आने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। सो आज ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को खराज तहसीन पेश करने का बेहतरीन तरीका यह है कि हम उस फलसफे को पढ़ें, जिस हद तक अमल हो सकता है अमल करें। मैं ये नहीं कहता कि यू वोट फॉर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और यू वोट फॉर आसिफ ज़रदारी और यू वोट फॉर गिलानी। मैं एक बात जरूर कहूंगा कि जो तकसीम हुई है उस वक्त की, उस तकसीम को हम मेंटेन रखते हुए आगे लेके जाए। ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को बुरा आदमी नहीं था, जिस तरीके से हमारे राइट विंगर्स ने उसको पेंट किया हुआ है कि वो एक बहुत ही गलत आदमी था, और यही राइट विंगर आज सारे के सारे इकट्ठे होके टेलीविजन के ऊपर एंकर की शक्ल में और कॉलमनिस्टों की शक्ल में फिर उस जंग के अंदर मसरूफ है, जो जंग 1977 में सड़कों पर आके उसके खिलाफ लड़ी गई वो जंग वैसे की वैसे इंटैक्ट है। तो ये इतना आसान नहीं है ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो के बारे में बात कर जाना, ये मेरे लिए भी करना या किसी के लिए भी करना, मैं उसकी मिथ ऑफ इंडिपेंडेंस की बात करूं, मैं उसकी किताबों की बात करूं या उसकी उस किताब की बात करूं इफ आई एम असैसिनेटेड, तो ये सारी किताबें की बात से लिख के तो नहीं आई थी यार,
किसी ने जेल साजी के तौर पर लिख के तो नहीं उसके नाम से छाप भी दी। और सोचो और देखो, एक शख्स जिसकी कलाइयां इतनी इतनी मुंहानी सी कलाइयां, छोटी छोटी सी कलाइयां उस आदमी की, और मौत की कोठरी में बैठा हुआ है, लिख कर है इफाम एसोसिएटेड में, क्या लिख रहा है, किस फंक्शन की बात कर रहा है। तो जुल्फकार अली भुट्टो पर जब भी हम बात करें, प्लीज उसको उसका क्रेडिट देने की कोशिश करें, तमाम उसके साथ मुखालफतों के बावजूद, तमाम इख्तलाफात के बावजूद, ही डिजर्व टू बी नोन एंड टू बी रिस्पेक्टेड एज वन ऑफ द पायनियर ऑफ न्यू पॉलिटिकल ट्रेंड इन पाकिस्तान।